नमस्कार, एस्ट्रो योगी की तरफ से आप सभी का स्वागत है। जाने बिजनेस में आज रहेगा क्या हाल, हेल्थ का कैसे रखना है ध्यान, नौकरी और करियर को लेकर आज आप क्या कुछ कर सकते हैं, पार्टनर के साथ आज कैसा बीतेगा आपका दिन। इस तरह के हर सवाल के जवाब पाने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अब जानते हैं 28 अप्रैल 2024 दिन रविवार आज का पंचांग। विक्रम संवत 2081 हिंदू पंचांग के अनुसार मास वैशाख है, पक्ष कृष्ण पक्ष है और ऋतु वसंत ऋतु है। आज चतुर्थी तिथि सुबह 8:21 तक रहेगी, इसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी। नक्षत्र आज मूल नक्षत्र सुबह 4:39 तक रहेगा, इसके बाद पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र लग जाएगा। आज बनने वाला योग शिव योग रात 2:06 तक रहेगा, इसके बाद सिद्ध योग लग जाएगा। आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, इस समय सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। आज सूर्योदय सुबह 5:43 तक रहेगा, आज चंद्रोदय रात 11:22 पर होगा। आज सूर्योदय सुबह 5:43 पर होगा, आज चंद्रोदय रात 11:22 पर होगा। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से शुरू होकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। आज राहु काल शाम 5:16 से शुरू होकर शाम 6:55 तक रहेगा। अब जानते हैं 28 अप्रैल 2024 का राशिफल। पहली राशि है मेष राशि। पेशेवर जीवन में प्रगति आज आपकी खुशी का कारण बनने वाली है। यदि आप काम में संघर्ष कर रहे हैं तो आज आपको अपने प्रयासों में सफलता और प्रगति देखने को मिल सकती है। क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में है, इसलिए हो सकता है कि आपको किसी नए स्थान पर या नए तरीके से अपनी सेवाओं को आगे बढ़ाने का अवसर दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर घर में हो रही सकारात्मक चीजों से आप फिलहाल खुश रह सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आप किसी भी तरह की समस्या को पूरी तरह से दूर करने में आज खुश रह पाएंगे और सक्षम हो पाएंगे। आपको पता है कि रिश्तों को समय देना पड़ता है, तो आज के दिन आपको अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए अपने पार्टनर के साथ। उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना चाहिए और सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आज वो समय है जब आपको अपने व्यवसाय को लेकर कुछ नीति निर्धारित करनी चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कैसे अपना सामान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके और विज्ञापन कैसे किए जा सके। सेहत के प्रति सावधान रहें क्योंकि आपको बुखार हो सकता है। अगर आपको तेज बुखार है तो आराम की सख्त जरूरत है। अपना ख्याल रखकर जल्दी बीमारी से निजात पा सकते हैं। आज हरा रंग पहनने से बचें और आज के दिन शुभ समय दोपहर 3:15 से शाम 5 बजे तक रहेगा। धन्यवाद। अब जानते हैं वृषभ राशि के लिए क्या खास है आज। नमस्ते वृषभ राशि के जातक। धनु राशि में चंद्रमा के प्रभाव के कारण आप अपना आपा खो सकते हैं या आपका मूड खराब रह सकता है। चाहे जो भी हो, आज आपको अपनी भावनाओं और गुस्से पर नियंत्रण रखने की जरूरत पड़ सकती है। दैनिक राशिफल के अनुसार आप खुद को ऐसे परिदृश्य में पा सकते हैं जहां आप जोर जोर से लोगों के साथ लड़ाई कर सकते हैं। एस्ट्रो योगी ज्योतिषी सलाह देते हैं कि भावनात्मक शांति बनाए रखने से आपको समस्याओं से बचने में मदद मिल सकती है। लव लाइफ के मामले में आज का दिन बहुत रोमांस भरा रहेगा। अपने पार्टनर के साथ मधुर वार्ता संवाद करें, वो भी वैसी ही प्रतिक्रिया जाहिर करेगा। आज आप अपने कार्य क्षेत्र में हुई प्रगति पर नजर डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने क्या पाया है। इस सफलता को प्राप्त करने में जिन लोगों ने आपकी मदद की है, आपको उन्हें धन्यवाद कहना नहीं भूलना चाहिए। उनकी मदद के बिना आप वहां नहीं पहुंच सकते थे जहां आज आप हैं। आगे बढ़ने का अपना रास्ता ध्यान से चुनें। करियर के मामले में जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए और सकारात्मक विकल्प ढूंढें। आप इस आइडिया को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल सकते हैं। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही है। हेल्थ के मामले में आज आपको जुकाम से सर्दी से सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि आज आप छोटी छोटी बीमारियों से परेशान हो सकते हैं। आज के लिए पर्ल ग्रे कलर आपका लकी कलर है। दोपहर 2:15 से 3:15 का समय आपके लिए अधिक अच्छा रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मिथुन राशि की, तो मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक। धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आज आपको जरूरतमंदों की मदद करने में काफी दिलचस्पी हो सकती है।
आज का दिन सामाजिक कार्यों में लिप्त होने का सही दिन है। आप कुछ पैसा दान कर सकते हैं। आज का दिन आपके लिए काफी फायदेमंद है। आप पूरे दिन में किए गए सामाजिक कार्यों से खुशी और संतुष्टि महसूस करेंगे। आज आप लव लाइफ के मामले में खुले दिल से अपने पार्टनर से मन की बात कह सकेंगे। खुलापन और ईमानदारी रिश्ते की जान होती है, पर वैसे शब्द हमेशा नहीं आते। आज आप अपनी शानदार स्थिति से संतुष्ट होंगे और आप अपने रिश्ते को गहरा होता पाएंगे। आर्थिक स्थिति के मामले में आज आपकी आर्थिक स्थिति सुधरती हुई दिख रही है। आप अपनी लाइफ में पैसा कैसे कमाना है ये सोचने पर ज्यादा ध्यान आज केंद्रित कर पाएंगे। आप अपनी कड़ी मेहनत से आर्थिक सफलता पा सकेंगे। हेल्थ के मामले में आज आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी होने के संकेत हैं। हो सकता है आपको कोल्ड या कफ जैसी परेशानी हो जाए, इसलिए आज डॉक्टर की सलाह अवश्य लें। आज आपका लकी टाइम दोपहर 2 से 3 का रहेगा। लेमन कलर आपका लकी कलर रहेगा। धन्यवाद। अब देखते हैं क्या कहता है कर्क राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय कर्क राशि के जातक, चंद्रमा के धनु राशि में होने से आज आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव का अनुभव करेंगे, विशेष रूप से आपके करियर में। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार नए मौके खुलेंगे और आप अपने पेशेवर जीवन में भारी प्रगति करेंगे। हालांकि एक अच्छा मौका है कि आज आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जिसका आप पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये खास व्यक्ति पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों क्षेत्रों में आपके जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए बड़े सपने देखें और अपने सपनों को सच करने की कोशिश करें। लव लाइफ के मामले में आपका प्यार दिन प्रतिदिन अपने पार्टनर के लिए गहराता जा रहा है, ऐसा आज आप महसूस करेंगे। हवाई कल्पना में ना उड़कर यथार्थ से जुड़े रहें। करियर के मामले में आज आपको पंख फैलाने का मौका मिलेगा। आपका मन इस समय अपने काम में नहीं लग रहा है, जिसके कारण आप कुछ उदास भी हैं। अगर आप कोशिश करें तो आप फिर से अपने काम में जान डाल सकते हैं। जहां तक आर्थिक पक्ष का सवाल है, आज का दिन आपका है। आज कुछ बड़ा आर्थिक लाभ भी मिलेगा। आप जैसे कई लोगों को दक्षता बढ़ाने वाला कोर्स बहुत मददगार साबित होगा। आज आप गंभीरता से सोचिए कि लंबे समय तक होने वाले आर्थिक फायदे के आप क्या कुछ कर सकते हैं, आप आर्थिक फायदा कैसे उठा सकते हैं। हेल्थ के मामले में हो सकता है आज आपको जुकाम हो, कोल्ड हो, इसलिए आज आपको धूल भरे वातावरण से दूर रहना है। अपनी सेहत को तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए पत्ते वाली हरी सब्जियां जरूर खाएं। शोर वाले इलाकों से दूर रहें, क्योंकि आज आपको सरदर्द की परेशानी भी हो सकती है। आपकी किस्मत आज नीले रंग का कुछ पहनने से आपकी मदद करेगी और सुबह 9 से 10 के बीच का समय आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। शुक्रिया। अब देखते हैं क्या कहता है सिंह राशि के लिए आज का राशिफल। तो प्रिय सिंह राशि के जातक, जब चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेगा तो आप में से कुछ असाधारण रूप से आरामदायक और संतुष्ट महसूस कर रहे होंगे। जब आपके सामने कोई भूली हुई चीज अप्रत्याशित रूप से लौटती है तो आप खुद को उत्साह से भरा पा सकते हैं। इस प्रकार की सुखद घटनाओं में किसी व्यक्ति का दिन बनाने की शक्ति हो सकती है। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों का मानना है कि आज आपकी किस्मत थोड़ी बेहतर है, इसलिए इसका फायदा उठाएं। अपने आप को भाग्यशाली समझें। यदि आज आप जो कुछ भी हासिल करते हैं वो अनुकूल परिणाम दे सकता है। आज के लिए लव लाइफ में कुछ मनमुटाव हो सकता है। आपने एक दूसरे को बेहतर समझा है और बातचीत की है तो आपकी रिलेशनशिप गहराती जाएगी। करियर के मामले में पढ़ाई हो या ऑफिस, आज का दिन आपके लिए शुभ ही रहेगा। हर दिशा से आपको खुशखबरी ही मिलेगी। इन सबको संभाल कर रखें, क्योंकि इनको पाने के लिए आपने बहुत मेहनत की है। आपके व्यवसायिक क्षेत्र में जो नई नई बातें सामने आ रही हैं उसके बारे में आप खुद भी सतर्क रहें, जानकारी लेते रहें। अगर आपने ऐसा किया तो सचमुच आप अपने नियोक्ता के लिए महत्वपूर्ण बने रहेंगे और आपकी कमाई भी खूब बढ़ेगी। काम का दबाव आप पर हावी ना हो, इसके लिए आपको अपनी अतिरिक्त ऊर्जा इस्तेमाल करनी होगी और आप राह में आई अड़चनों पर विजय पा लेंगे। आज के दिन आपको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर आपने कोई अंगूठी पहनी हुई है तो वो कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि आप कोई भी जेमस्टोन, कोई भी रत्न अगर गलत धारण करते हैं तो उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको
मिल सकता है, इसलिए एक अच्छे ज्योतिष से जांच करवाकर उसके बाद ही आप कोई भी रत्न धारण करें। फिरोजी रंग आपका लकी कलर रहेगा, शाम 5:15 से 6:15 का समय लकी रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं कन्या राशि की। प्रिय कन्या राशि के जातक, एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों के अनुसार आज का दिन घरेलू शांति और सद्भावना से भरपूर होगा। चंद्रमा आज धनु राशि में है, जो आपके लिए अनुकूल प्रतीत होता है। आप इसे सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। आपका परिवार अपने बंधनों को मजबूत करने में सक्षम होगा और आप इस अवधि के दौरान एक साथ अच्छा समय बिता पाएंगे। दूसरों के साथ आप जो समय बिताएंगे वो भावनात्मक रूप से आपको सही बनाए रखेगा, इसलिए आपको समय के साथ अधिक शक्तिशाली और स्थायी बंधन विकसित करने की आवश्यकता है। आज के दिन आपको अपने कटु शब्दों से बच के रहना चाहिए। आपको आज अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। आपको अपने काम और पढ़ाई में आज ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने देना चाहिए। आज आपका ध्यान आसानी से अपनी जिम्मेदारियों से भटका हुआ लग रहा है। जरूरत है कि आप व्यवसाय के नए विकल्प पर तुरंत और सकारात्मक ढंग से सोचें, इसका आपको बड़ा फायदा मिलेगा। आप इस विकल्प को अपनी मेहनत से हकीकत में बदल दीजिए। व्यवसाय में सफलता का मूल मंत्र यही है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव के साथ आपकी आर्थिक स्थिति लगातार ठीक होती जाएगी। कभी किसी छोटे मोटे बदलाव से चिंतित ना हो, क्योंकि आप अपनी मेहनत से ऐसे आर्थिक संकटों से पार पा लेंगे। अच्छी सेहत के लिए आज आपको सावधानी बरतने की जरूरत है। आपको मानसिक शांति कैसे मिलेगी ये सोचने की जरूरत है। व्यायाम करें, लंबी सांसें लें, इससे आपको अच्छा लगेगा। फिरोजी रंग और आपका लकी कलर रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे का समय शुभ है। धन्यवाद। बात करते हैं तुला राशि की। तो प्रिय तुला राशि के जातक, धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आज आप अपने काम को पॉजिटिव तरीके से पूरा कर पाएंगे। अच्छा स्वभाव रखने की आज जरूरत है। अपने महत्वपूर्ण कामों को शुरू करने और लोगों के साथ अपनी प्लानिंग को शेयर करने के लिए आज का दिन अच्छा है। लव लाइफ के मामले में आज आप अपने जीवन साथी के साथ अथवा होने वाले जीवन साथी के साथ छोटी मोटी यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आप इकट्ठे अच्छा समय बिताएंगे। ये समय आपकी खुशियां मनाने का एवं अनाड़ीपन को कैमरे में कैद करने का है। अब बात करते हैं आपके करियर की। आज आप अपने ऊपर काम का बोझ महसूस करेंगे। चाहे आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, हर बॉल हवा में ही रखने की कोशिश करें। इस समय जो आप अतिरिक्त काम कर रहे हैं वो भविष्य के लिए फायदेमंद रहेगा। व्यापारिक प्रोफेशनल्स आसानी से अपने लक्ष्य को पालेंगे। ये मौका है कि आप अपनी व्यवसायिक क्षमता बढ़ाने के लिए कोई जरूरी कोर्स कर लें। इसके लिए आज किया गया खर्च कल बड़े फायदे देगा। अपने करियर को नई ऊंचाई तक ले जाने के लिए आपको आज कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। अगर आपने कोई रत्न धारण किया है, कोई बहुमूल्य आपने रत्न पहना है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी ज्योतिष की सलाह अवश्य लें कि क्या वो रत्न आपके लिए सही रिजल्ट्स ला रहा है या नहीं। अधिक सफलता पाने के लिए सुबह 10:30 से 11 के बीच में अपने महत्वपूर्ण कार्य करें। धन्यवाद। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो प्रिय वृश्चिक राशि के जातक, आप शांति और संतुष्टि की खुशी का अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा धनु राशि में स्थित है। आपके विचारों को लागू करने का समय आ गया है। आप काफी समय से इस पर कड़ी मेहनत कर रहे हैं। अपने प्रयास जारी रखें और अपनी स्थिति को अधिक मजबूत करने के लिए काम करें। एस्ट्रो योगी के ज्योतिषियों का अनुमान है कि ये आपकी कड़ी मेहनत के परिणाम देखने का समय है। आप आज अपने रास्ते में आने वाले नाम, प्रसिद्धि, वित्त और विकास को देख सकते हैं। ध्यान रहे कि सफलता आपको अहंकार से ना भर दे। बात करते हैं आपके लव लाइफ की। अपने साथी के प्यार के कारण आज का दिन उज्जवल पाएंगे। ये छोटी छोटी खुशियां आपके लिए यादगार बन जाएंगी, जिनसे कि आपका रोमांस बरकरार रहेगा। ये खुशियां आपसे रिश्तों को मजबूत बनाएंगी व भविष्य भी उज्जवल करेंगी। नौकरी के मामले में आपकी नौकरी करियर अच्छा चलता रहेगा। आपके लिए कई नए विकल्प भी खुलते हुए दिख रहे हैं। जो योजनाएं हाथ में हैं, उनके अलावा और बहुत सा काम आपके हाथ में रहेगा। कार्य क्षेत्र में मिलने वाले शुभ समाचार को सुनने के लिए अपने आंख कान खुले रखें। आज व्यवसाय का कोई बड़ा मौका आपको मिलने वाला है, तो जरूरत है कि आप अपना आर्थिक पक्ष मजबूत करने के लिए
मौके का फायदा उठा लें, आगे चलकर इस मौके को हथिया लें और आपकी आमदनी बढ़ेगी। अपने मिजाज को लोगों के साथ साझेदारी करने से आपको तुरंत फायदा होगा। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज तनाव मुक्त अपने आप को आप पाएंगे, यह आपके लिए बहुत अच्छा तोहफा है। आज का दिन खूब मजे से बिताएं क्योंकि अच्छा मूड और कम तनाव सेहत के लिए फायदेमंद होता है। आज आपको बाहर जाने का भी मौका मिल सकता है, इसे खूब एंजॉय करें। भाग्य को आकर्षित करने के लिए क्रीम कलर आपके लिए लकी रहेगा और आपके लिए शुभ समय दोपहर 3 से 4:15 का रहेगा। धन्यवाद। अगली राशि है धनु राशि। प्रिय धनु राशि के जातक, एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों द्वारा की गई भविष्यवाणी के अनुसार आज संकेत मिलता है कि खुशी और शांति आज आपके घर में बनी रहेगी। धनु राशि में उपस्थित चंद्रमा आपके लिए शुभ साबित होगा। साथ ही जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, वे आज अच्छे परिणाम पाएंगे। सभी विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल होने जा रहा है। अपने दृष्टिकोण को हमेशा आत्मविश्वास से भरा और सकारात्मक बनाए रखने का प्रयास रखें क्योंकि आज उचित समय रहेगा। आज लव लाइफ के मामले में आपके साथी को आपसे रोमांस के अतिरिक्त दोस्ती की जरूरत है। उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनें और उसे भरपूर सहयोग दें। करियर के मामले में आपको ऐसे बहुत से मौके मिलेंगे जबकि आपको अपनी समझदारी, रचनात्मकता व क्रियात्मकता का परिचय देना होगा। आज एक ऐसा दिन है जबकि आपको वो काम करना पड़ सकता है जो कि आप करना तो नहीं चाहते लेकिन फिर भी आपको करना पड़ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में आपकी स्थिति थोड़ी डावाडोल रहेगी लेकिन इसको कंट्रोल में लाने की जरूरत है जो कि आप कर लेंगे। अपने सीनियर अधिकारियों से मधुर संबंध बनाए रखें। आपकी कार्यशैली बहुत अच्छी है फिर भी कई बार लोगों को आपकी बातें चुभ जाती हैं। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तनाव भरे दिनों के बाद आज आप अच्छा महसूस करेंगे। आपके लिए अच्छा होगा कि आप हल्का व्यायाम करें और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की कोशिश करें। आप अपने दोस्तों को लंबी दौड़ के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, भले ही बाद में आप उनसे बात ना करें लेकिन आज आप साथ में कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। दिन के लिए आपका शुभ रंग पीला रहेगा। भाग्यशाली समय 1 बजे से 2 बजे तक का रहेगा। धन्यवाद। मकर राशि की। तो प्रिय मकर राशि के जातक, जब चंद्रमा आज धनु राशि में प्रवेश करेगा तो आप ऊर्जावान महसूस करेंगे। ये गोचर अपने साथ ऊर्जा का एक उछाल लाता है जो आपको पूरे दिन के लिए ऊर्जा से भर देगा। इसके कारण आप आज किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होने जा रहे हैं। आप काम में कड़ी मेहनत करने और अपने हाथों को गंदा करने से भी नहीं कतराते। आज का दिन आपके जीवन में बहुत सारे मेहनत भरे काम ला सकता है लेकिन आप इसे बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। लव लाइफ में अपनी भावुकता में बहकर आप अपने साथी की तरफ से हतोत्साहित हो जाएंगे। हो सकता है कि आपका साथी आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, तब भी आपसी मतभेद भुलाकर अपने रिश्ते को अच्छा बनाए रखने की कोशिश करें। करियर के मामले में अपने महत्वपूर्ण कामों को आप पूरी सफलता के साथ पूरा कर पाएंगे। अपनी योजनाओं को आप आज आगे बढ़ा पाएंगे जिसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। करियर में आर्थिक लाभ के नए मौके सामने आएंगे। ऐसा भी वक्त आएगा जब आपको अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। अपनी क्षमता और योग्यता दर्शाने के लिए ऐसे किसी भी मौके का भरपूर फायदा उठाएं। आप अपनी योग्यता को कम करके मत आंकिए। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र और आर्थिक क्षेत्र में थोड़ा जोखिम उठाते हैं तो ये तय है कि आगे इसका बड़ा फायदा मिलने वाला है। हेल्थ के मामले में आज आप राहत की सांस ले सकते हैं क्योंकि आज आपकी सेहत और मूड दोनों ही बढ़िया रहने वाला है, मगर लापरवाही बिल्कुल ना करें। एस्ट्रोयोगी ज्योतिषियों के अनुसार दोपहर 4:20 से शाम 5:20 का समय आपके लिए शुभ रहेगा। नीला रंग आज आपके लिए सकारात्मकता लाएगा। धन्यवाद। बात करते हैं कुंभ राशि की। तो प्रिय कुंभ राशि के जातक, धनु राशि में चंद्रमा के गोचर के कारण आप भावनात्मक रूप से संतुलित महसूस नहीं करेंगे। आप दूसरों के बहकावे में बहुत आसानी से आ सकते हैं। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। ऐसे में किसी और से ज्यादा अपने पर भरोसा रखें। आज का दिन होने वाले पति या पत्नी के बारे में व्याप्त शक को दूर करने का दिन है। यदि आपको इस बारे में कुछ शक है तो केवल खुद तक सीमित ना रखें, दूसरों के साथ, अपने परिजनों के साथ, दोस्तों के साथ चर्चा जरूर करें। बात करते हैं करियर की। आज आप पाएंगे कि पिछले कुछ समय से जो बात आपको परेशान कर रही थी आज वो परेशानी
कम हो रही है। आप पर काम का बहुत बोझ रहेगा, लेकिन काम से संबंधित कुछ तनाव आज कम हो जाएगा। कम तनाव के इस दौर का लाभ उठाकर आपको अपने उत्पादन को बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारी लेकर आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। आपको दूर के फायदे को सोचकर चलना होगा, इसलिए दूसरों की प्रेरणा के बगैर खुद ही पहल करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। अपना व्यवसायिक और आर्थिक लक्ष्य पाने के लिए अपनी रचनात्मक क्षमता काम में लाइए। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। आज के दिन आपको मेडिटेशन जरूर करना चाहिए, जिससे कि आपकी भावनाएं आपके काबू में हो पाएंगी। योग और ध्यान आपके शरीर को शांत रखेगा और दिमाग को भी शांत रखेगा। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों के अनुसार आपके लिए भाग्यशाली समय सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 के बीच का रहेगा। धन्यवाद। बात करते हैं मीन राशि की। तो प्रिय मीन राशि के जातक, धनु राशि में चंद्रमा की जो स्थिति है उसके कारण आज आपको अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखने की जरूरत है। आप किसी के बहकावे में आज आ सकते हैं, इसलिए आपको आज इस बात पर कंट्रोल अवश्य रखना चाहिए कि आप अपने ऊपर विश्वास करें। एस्ट्रो योगी ज्योतिषियों का सुझाव है कि आज के दिन सबसे ज्यादा भरोसा अपने आप पर करें, अपने मन की आवाज सुने। लव लाइफ के मामले में आज का दिन अच्छा रहेगा। आपकी लव लाइफ में कुछ नया भी आज हो सकता है, कोई नया आपको व्यक्ति मिल सकता है जिसके साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रह सकती है। करियर के मामले में आज का दिन आपके लिए नए मौके लेकर आएगा, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा, तो करियर के मामले में अपने आंख और कान खुले रखें। आर्थिक स्थिति के मामले में आज के दिन कोई बड़ा रिस्क ना लें। निवेश के मामले में आपको सेफ एंड सिक्योर जगह पर ही निवेश आज करना चाहिए। अगर हेल्थ की बात की जाए तो आज धूल भरे वातावरण से दूर रहें और एक्सरसाइज जरूर करें। आज के दिन सुबह 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय आपके लिए शुभ रहेगा। सफेद कलर आपका लकी कलर रहेगा। शुक्रिया। ये राशिफल चंद्रमा ग्रह और नक्षत्र की गणना पर आधारित है। और अब एस्ट्रो योगी के सभी दर्शकों के लिए खास ऑफर। आप सभी एस्ट्रो योगी पर अपना पहला एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं बिल्कुल मुफ्त, और वो भी पूरी प्राइवेसी के साथ। आज ही डाउनलोड करें एस्ट्रो योगी ऐप, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।